तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय ट्यूशन। आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो बच्चे हरियाणा से डिप्लोमा डी फार्मेसी डी फार्मा कर रहे हैं, इनमें बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सिक्स एम का डी एम से कैसा होता है, सिक्स एम के डी एम सी पर क्या क्या चीज़ लिखा होता है, क्या प्रोविजनल बनवाना ज़रूरी है या सिक्स एम के डी एम सी सफिशियंट है। तो मैं आपको सिक्स एम का डी एम सी दिखाऊँगा और आपको बताऊँगा कि सिक्स एम के डी एम सी पर क्या क्या चीज़ होता है और आपको क्या कुछ ज़रूरी है, क्या आपको प्रोविजनल बनवाना चाहिए या नहीं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं आपके लिए ए टू जेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। हरियाणा के जो डिप्लोमा डी फार्मेसी बी टेक एम टेक की जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं आपको देता रहता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो कि आपके ऊपर सिक्स एम का डी एम सी है। ऊपर में आप देख सकते हो आपका राइट साइड में फ़ोटो होगा और लेफ्ट साइड में स्कैनर होगा, जो मैं ब्लर कर दिया हूँ। उसके बाद सिक्स एम के डी एम सी पे आपके नेम होगा, रोल नंबर होगा, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपके पूरे मार्क्स लिखे होंगे जितने आपके सिक्स एम में होंगे। जैसे कि मैकेनिकल का है, किसी स्टूडेंट से मैंने लिया हूँ उसका है, ठीक है। उन्होंने परमिशन नहीं दिया है कि आप अच्छे से दिखाओ, इसलिए मैं ब्लर कर दिया हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा कष्ट चाहना पड़ेगा। सो कोई बात नहीं, आप देख सकते हो, आप पूरे देख सकते हो दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देख सकते हो थ्योरी में। और मेन मुद्दा के बाद दोस्तों नीचे है, आप नीचे देख सकते हो। जैसे कि आपके पास सिक्स एम का डी एम सी होगा, ठीक है, तो आप नीचे देख सकते हो आपको आपके नीचे में फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितना किया मैक्सिमम मार्क्स में, ठीक है। और ओवरऑल परसेंटेज देख सकते हो नीचे लिखा है लास्ट में, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज भी आपको निकाल कर दे रखा है। तो अब आपको प्रोविजनल बनवाने की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने सिक्स एम का डी एम से ले लिया है तो यही सफिशियंट है, क्योंकि इसके नीचे में सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स का कितना नंबर आए टोटल, ठीक है, पेपर कब हुए तो वो भी मेंशन कर रखा हुआ है। और लास्ट में परसेंटेज भी दे रखा है, जैसे कि इस स्टूडेंट का 79.58% आया है, ठीक है, 56% है, सॉरी दोस्तों। और नीचे में आपके पंचकुला का डायरेक्टर सर का या ब्रांच का सिग्नेचर होगा। तो कुछ इस तरह का सिक्स एम का डी एम सी डिप्लोमा का देखने को मिलता है। इसके सारा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है, आपको प्रोविजनल का जरूरी नहीं है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको डी एम सी रिगार्डिंग कोई क्वारी हो, नीचे आप कमेंट करना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक कमेंट और ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।